दो सगे भाइयों में आपसी कहा सुनी को लेकर एक भाई ने दूसरे भाई को चाकू मारकर किया बुरी तरह जख्मी। जनपद बिजनौर चांदपुर में दो भाइयों में आपसी लड़ाई में खूनी संघर्ष हो गया। मोहल्ला मुफ्ती सराय में मोहम्मद नासिर ने बताया कि वह समय रात्रि लगभग 10 बजे अपने बीवी बच्चों के साथ अपने मकान पर खाना खा रहा था। तभी उसका भाई मोहम्मद राशिद घर आया और बच्चों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। नासिर ने उसकी गालियों का विरोध किया तो राशिद ने उस पर चाकू से वार कर दिया, जिससे नासिर बुरी तरह घायल हो गया। नासिर ने 100 डायल पुलिस को खबर की। 100 डायल की गाड़ी से हेड कांस्टेबल राजेंद्र शर्मा मौका वारदात पर गए और मुजरिम मोहम्मद राशिद को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद नासिर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर उपचार कराया गया। पुलिस को तहरीर दे दी गई है। पुलिस ने मोहम्मद राशिद जॉन को हवालात में बंद कर उक्त मुलजिम के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। आज न्यूज चैनल के लिए चांदपुर से रिपोर्टर आफाक अहमद की रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले? क्या घटना घटी आपके साथ? भैया ने भैया को मारा चाकू से। कौन से भैया ने? बड़े भैया ने। आपके भाई ने? राशिद। क्या नाम है भाई? राशिद। पुलिस में तहरीर दे दिया? देना है।